Namaskaram to all of you. So this is my visit to Yoga Niketan in Rishikesh. It's a Yoga Niketan ashram. बहुत ही पुराना आश्रम है ये ऋषिकेश में. And it's just based on the Ganga Ghadi. पीछे is just the Ganga. And it's a beautiful ashram. Very neat and clean. Very tasty food. And दो time meditation होता है यहाँ पे morning and evening. And just next to the ghat and the market. आप पीछे उतरोगे तो market है and पीछे ही घाट है. So I will share my experience of, you know, bathing in the Ganga River. So मतलब बहुत टाइम से I was longing, you know, to be one with Ganga. And अभी पीछे अप्रैल में कुंभ मेला था, तब हमने we had a dip in Ganga. So I just loved it that time, and then I was like, Varun, I have to go once again, you know. And I wanted just to be there in Ganga, like for hours. I'm taking, you know, a complete dip in Ganga, that chilling water, aur usne jana andar. And today maine aur Varun ne almost ek ded ghanta hum Ganga ke andar hi rahe, and it's one of the most beautiful experience of my life. And I was longing for it since very very long, and I was constantly telling him, you know, कि आई वॉन्टेड टू गो, आई वॉन्टेड टू गो देर. सो फाइनली यू नो वी आर हेयर इन ऋषिकेश, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस हेयर. एंड आई वॉन्टेड टू टेल यू दिस, सदगुरु, जब मैंने कर्मा बुक पढ़ी थी, एंड सदगुरु की बहुत सारी वीडियोज़ भी हैं इस पर, वेयर ही टॉक अबाउट, यू नो, वाटर क्लिनजिंग. सो वाटर इज़ वन ऑफ द फाइव एलिमेंट्स थ्रू विच वी आर मेड. द फाइव एलिमेंट्स आर वाटर, एयर, स्पेस, अर्थ एंड ईथर. Right, so water is one of the five elements, and जब आप कोई भी flowing नदी हो या river हो उसके अंदर नहाते हो, and you are in touch with the, you know, base, the ground, ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए. So it automatically cleansing, karma cleansing happens, you know, आपके बहुत सारे karma, they get cleansed up. तभी आप देखा होगा कि लोग ये तीर्थ कुंड में या फिर गंगा के अंदर स्पेसिफिकली डिप लेने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, जस्ट टू टेक अ डिप इन द गंगा, और कुंभ मेलाज में डिप लेने के लिए आते हैं, बिकॉज बेसिकली दिस रिलीजेज़ यू फ्रॉम लॉर्ड ऑफ कार्मिक स्टफ़. सो जब आप गंगा के अंदर नहाते हो, दैट्स व्हाट सतगुरु सेज, कि एक फ्लोइंग रिवर होना चाहिए, फ्लोइंग वाटर होना चाहिए. जब आप एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी में नहाते हो, तो ऑटोमेटिकली अ लॉट ऑफ क्लेंजिंग हैपन्स ऑन मेनी लेवल्स. एंड फॉर मी, गंगा इज़ लाइक माई मदर टू मी नाउ, एंड इट इज़ अ डीप कनेक्शन विद द गंगा. आई जस्ट वॉन्टेड टू कम हेयर अगैन एंड अगैन एंड टेक अ डिप इन गंगा, एंड कि मैं हर बार आऊँ और गंगा में नहाऊँ. And it's the most beautiful experience of my life. That is why I wanted to share it with all of you. And apart from that, ये आश्रम बहुत अच्छा है. अभी I will just go and attend the Ganga Aarti, which I am longing for. ये घाट के ऊपर हो गई, and I just wanted to light my diya there. And बहुत अच्छा लग रहा है. एंड मुझे और वरुण को बहुत मज़ा आया. हम पूरा गंगा के अंदर गए, स्लोली स्लोली, यू नो, वी डिप्ड आवर फीट, फिर हमने लेग्स डिप की, एंड देन अपर बॉडी, एंड देन यू नो फुल्ली जस्ट गोइंग इनटू गंगा. एंड इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ अस. आई विश कि आप सब भी डेफिनेटली, यू नो, इफ यू गेट अ चांस टू टेक, इफ नॉट गंगा देन कोई भी नियर बाय आपके कोई नदी हो या फिर रिवर हो, आप प्लीज़ उसमें जाइए एंड जस्ट टेक अ डिप. अ लॉट ऑफ कार्मिक क्लेंजिंग ऑल्सो हैपन्स ऑन मेनी लेवल्स. एंड या अगर गंगा में आ सकते हो, नथिंग लाइक इट, यू नो. एंड इट्स ब्यूटिफुल. आई विल पोस्ट अ डिफरेंट वीडियो ऑन दिस आश्रम ऑल्सो, दैट आई विल शोकेस व्हाट एग्जैक्टली इज देयर. देयर आर मेडिटेशन हॉल, भिक्षा हॉल्स, दैट इज अ ईटिंग जॉइंट हियर. सो इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. And if you have any questions for me, you know, for taking bath in Ganga, to definitely मुझे message करिए या comment करें. And यहाँ पे घाट्स पे पूरे वो होते हैं, आपको they give a रस्सी and you can just hold on to it and go inside the Ganga. And पानी का flow भी बहुत decent था, so you can easily take a bath. आप steps बने होते हैं, उसके ऊपर बैठ सकते हो, and just go inside, just take a dip in that chilling water, and it just refreshes you completely, and one must do it. And thank you very much for watching this video, and in the end I'll post my, you know, Ganga videos, like when we were taking a
perspective, you can just have a look. Yeah, thank you.